फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंजलि और मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं बच्चों के लिए जो मेडिसिंस हैं वो, यानी कि ये वाला जो आज का वीडियो है वो स्पेशली उनके लिए है जिनके पास छोटे बच्चे हैं, जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, 0 से लेकर 2-3 ईयर्स तक के, मतलब जिसे आज पैदा हुए हैं, 0 उसी को कहते हैं, और 2-3 ईयर्स तक के बच्चों के लिए मेडिसिंस जो हर घर में होनी चाहिए जिस घर में बच्चे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी उन बच्चों की जो 0 से 2 ईयर्स तक के हैं। कॉलिक पेन, यानी कि कॉलिक पेन मैं बता दूं कि गैस की दर्द को कहते हैं कॉलिक पेन। जब तक आप गैस दर्द के लिए काढ़ा बनाते हैं, अजवाइन वगैरह का काढ़ा बनाते हैं, तब तक बच्चा रो रो के बेहाल हो जाता है। तो उसके लिए सबसे इफ़ेक्टिव जो दवाई है, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव, और मैं अपने दोनों बच्चों के लिए यूज़ कर रही हूँ, मेरा बेटा है 3.5 साल का, तो तब से मुझे 3-4 डॉक्टर्स ने ये प्रिस्क्राइब की है, और ये है कॉलिकेड। कॉलिकेड, कॉलिक मतलब कॉलिक बोलते हैं गैस को, कॉलिक पेन के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है ये, बहुत ज़्यादा अच्छी। अगर आपका बच्चा 6 महीने तक का है तो इसके अंदर जो ड्रॉपर मिलता है आपको साथ में, आप वो आधा पिला सकते हैं, और मुझे ये हर डॉक्टर ने रेकमेंड किया है, और इसलिए मैं यहाँ पे ये शेयर कर रही हूँ, बिकॉज़ हर डॉक्टर ने, एक डॉक्टर अगर कुछ और बता रहा है, दूसरा कुछ और, अलग अलग सॉल्ट वाली दवाइयाँ देते हैं या अलग अलग कंपनी के देते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये वाली जो दवाई है मुझे गवर्नमेंट वालों ने भी दी है, प्राइवेट वालों ने भी दी है, और टांडा, कांगड़ा, पठानकोट, धर्मशाला, सभी डॉक्टर्स ने, नूरपुर के हॉस्पिटल जो है हमारे 100 किलोमीटर्स के एरिया में जो भी हॉस्पिटल्स आते हैं, सब ने बच्चों के लिए यही दवाई रिकमेंड किया, और मैंने स्पेशली उनसे पूछा भी है। तो एक डॉक्टर अगर कोई और बताता या कोई और बताता कुछ, तो मैं इस दवाई को यहाँ पे रिकमेंड नहीं करती। मैं वही चीज़ें बताऊँगी जो मैं खुद अप्लाई करती हूँ, अपने बच्चों के लिए यूज़ करती हूँ वही। सेकेंड वाली दवाई है बुखार की। बच्चों को बुखार आता है वो तो बताएंगे नहीं, और कई बार नहाने से भी आता है, लाइक हम अगर नहला रहे हैं और सर पे पानी फेंक रहे हैं उनके, तो उससे उनको बहुत जल्दी बुखार आता है, और बुखार से हम यही नोटिस करते हैं कि बच्चा रो रहा है और शरीर गर्म है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि शरीर जो है वो पूरी तरह गर्म नहीं होता, सिर्फ हाथ पैर या सिर गर्म होता है, ऐसा मेरे बेटे के साथ है। और मैंने डॉक्टर को जब पूछा तो उन्होंने मुझे ये कहा कि इसका रेगुलेटर सिस्टम जो शो करता है टेम्परेचर वो ख़राब है, मतलब कि उसका टेम्परेचर जो है, बॉडी ठंडी रहती है, सिर्फ सर गर्म रहता है। तो उसके लिए हमेशा उन्होंने मुझे ये दवाई रखने के लिए कहा है। इसमें ब्रुफन है और पैरासिट्रामोल भी है, ठीक है, आई थिंक अब आपको दिख रही हो, ब्रुफन और पैरासिट्रामोल है, और इसका नाम है फ्लैक्सॉन। ये बहुत ही बेहतर दवाई है, लाइक बुखार के साथ साथ ये आपके बच्चे में कहीं पे अगर बॉडी में बच्चे को दर्द है उसको भी ठीक करेगी। और ये वाली है गवर्नमेंट जो डॉक्टर्स देते हैं, या नॉर्मल जो डॉक्टर बाहर बैठते हैं वो दे देते हैं, नॉर्मल पैरासिट्रामोल, किसी भी कंपनी की होती है, सॉल्ट पैरासिट्रामोल होना चाहिए, क्योंकि पैरासिट्रामोल ऐसा साल्ट है जो हमारे शरीर में जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। तो बेटर होगा कि सिंपल प्लेन पैरासिट्रामोल देने से बेटर है कि आप उसके साथ एक कम्बिनेशन में दें उसको, या तो डॉक्टर से पूछ कर ही दें, या फिर पेन किलर के साथ, जैसे कि ब्रुफन है, ब्रुफन के साथ रखें पैरासिट्रामोल, ताकि बच्चे को कहीं पे पेन है तो वो उस चीज़ को बता तो नहीं सकता, पर उस चीज़ से वो रिलीफ, निजात पा सके। उसके बाद आती है मेन जो बच्चों को प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टिपेशन। बच्चा रोएगा, उसके पेट में पेन होगी, दर्द होगी, वो बताएगा थोड़ी ना आपको, सिर्फ रो ही सकता है। तो ये जो कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम है ये मेरे दोनों बच्चों को रही है, और ऐसा कहते हैं कि ये माँ के दूध की वजह से होती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज़ मैं नहीं चाहती कि बहुत ज़्यादा ही लंबा वीडियो हो, लेकिन इस वीडियो को आप प्लीज़ स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। और यहाँ पे मैं सोडियम पिकोसल्फेट की बात करूँगी। सोडियम पिकोसल्फेट जो है वो बच्चे की कॉन्स्टिपेशन हटाने में मदद करता है। अगर किसी बच्चे को बहुत ही ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन, लाइक वो हफ्ते में 2 बार पू करता है, तब तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो उसे मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम पर ये दवाई दें। ये अलग अलग कंपनीज़ बनाती हैं, लेकिन आपको मैंने साल्ट बताया है। देखिए ये है विक्रोल, ठीक है, ये आई थिंक विक्लोर, ठीक है, ये हैं बड़े बच्चों के लिए, लाइक 1+ ईयर, और सिर्फ 1 स्पून देना है 1 दिन में, और इसमें भी वही है सोडियम पिकोसल्फेट। दूसरी कंपनी की आती है पिकलिन, ये आपको नाम भी याद रहेगा, बेटर दवाई है 0 से लेकर 3 ईयर्स तक के बच्चों के लिए। मॉर्निंग इवनिंग में 1/4 चम्मच देंगे अगर आप, तो कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल से सही हो जाएगी। पिकलिन जो मेडिसिन है, पिकलिन,
मैं यहाँ पिकलिन को इसलिए ज़्यादा शो कर रही हूँ बिकॉज ये किसी भी बच्चे को दे सकते हैं, छोटे बड़े दोनों को, क्योंकि इसमें जो साल्ट है सेम साल्ट है दोनों में ही। ऐसी कई कंपनियाँ होंगी जो इसी साल्ट की दवाई बनाएंगी, लेकिन इसमें साल्ट ज़्यादा है, मतलब इसका एक ही चम्मच देना है आपको, और इसमें साल्ट कम है, बड़ा छोटा जो भी बच्चा है मॉर्निंग इवनिंग में दे दीजिए, ठीक है। तो जैसे मानिए ये इसमें 100 ml डाला हुआ है, सेम बॉटल में, 60 ml की बॉटल में 100 mg जो है वो डाला हुआ है सोडियम, और इसमें 50 mg डाला हुआ है, ठीक है। तो आपको ये 2 टाइम देनी है, 1 टाइम देनी है। बेटर होगा कि 2 टाइम वाली लें बिकॉज थोड़ा थोड़ा करके अगर कॉन्स्टिपेशन को हैंडल किया जाए तो बेटर रहता है। उसके बाद दांत निकलने वाले बच्चे, जो दांत निकाल रहे हैं बच्चे, उनके लिए मैं बस इतना ही कहूँगी, या तो वो कैल्सीमेक्स पी ले लें। और मेरा ये वीडियो कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, यहाँ पे किसी डॉक्टर किसी कंपनी ने मुझे स्पॉन्सर नहीं किया मेरे वीडियो को, मैं खुद से बता रही हूँ। मुझे लगता है कि ये मेडिसिन हेल्पफुल हो सकती है बहुत ज़्यादा, बिकॉज मैं पिछले 3.5 साल से इनको यूज़ कर रही हूँ। इसलिए इसके बाद मैं आपको बताने जा रही हूँ एक बहुत ही अमेजिंग ऑसम दवाई जो बच्चे के दांत निकलने में उसकी हेल्प करती है। यहाँ पे एक और चीज़ कहूँगी मैं, चमत्कारी मोती, करिश्माई मोती नाम से जो आती है तावीज़ टाइप पहनने की, उसमें कुछ नहीं होता है, पंच धातु होती है। अगर वो किसी को नहीं मिलती है कहीं तो नॉट अ बिग डील, आप वो यूपी में बनती है और अम्बाला चंडीगढ़ में मिल जाती है, बट हमारे यहाँ नहीं मिलती है। उसमें कुछ नहीं होता है, पंच धातु होती है जो कि बच्चे को कॉन्स्टिपेशन से, लूज मोशन से, पेन से थोड़ा सा बचाने में हेल्प करती हैं। तो कुछ भी ऐसा नहीं है, आप बच्चे को कैल्शियम दे सकते हैं, कैल्शियम से उसकी बोन्स टीथ्स मजबूत होंगे, जल्दी निकलेंगे। उसके साथ ही साथ एलोपैथी से ज़्यादा होम्योपैथिक मुझे ज़्यादा ट्रस्ट है, और होम्योपैथिक होती भी बेस्ट है, यू नो दैट, सभी जानते हैं। यहाँ पे मैं आपको पर्सनली एक दवाई बताऊँगी, ये सभी मैं पर्सनली बता रही हूँ, लेकिन इसको आप ज़रूर लें अगर आपके बच्चे के दांत निकल रहे हैं। इसका नाम है किलकारिया फॉस्फोरस, या आपके बच्चे में कैल्शियम फॉस्फोरस की कमी को बिल्कुल दूर कर देगी, ठीक है। और ये इस तरह की पैकिंग में आती है, इसमें छोटी छोटी गोलियां होती हैं जो कि जिस बच्चे के दांत नहीं निकल रहे हैं वो भी आराम से खा सकता है। आई थिंक होपफुली ये दिख रही हो, ठीक है। ये है 150-130 रुपीज़ अराउंड, और ये इस तरह की पैकिंग में आती है, और मैं हमेशा 2 या 3 ही लाती हूँ। 150 रुपीज़ की हो गई है ये, पहले जब मैं अपने बेटे के टाइम पे लेती थी आज से 2-2.5 साल पहले, उस टाइम में आती थी 130-135 रुपीज़ की। तो मैं हमेशा 2 लेके आती हूँ, ख़त्म नहीं होने देती हूँ। बीच में बेटी के लिए मैं 1 महीना नहीं ला पाई, तो वो बहुत, मतलब उसको पेन हो रहा था, दांतों को बहुत रब करती थी हर चीज़ से, हर किसी को काटने लग जाती थी। इससे उसे बहुत फ़र्क पड़ा है, उसे टेम्परेचर भी नहीं आ रहा, दांत भी उसके निकल आए हैं, 4 निकल आए हैं नीचे के, नहीं तो निकल नहीं रहे थे, बहुत मुश्किल से निकल रहे थे। लिक्विड वो कम पीना चाहती है बिकॉज़ थिक होती हैं कैल्शियम, कैल्शियम सारी थिक होती हैं, बिकॉज़ आप चाहें तो कैल्सीमेक्स पी पिला सकते हैं बच्चे को, लेकिन डॉक्टर से पूछ कर, बिकॉज़ उसका एज वगैरह का जो है वो मैंने हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही लिया है। और इसे आप किसी भी बच्चे को दे सकते हैं, भाई जो दांत निकाल रहा है उस बच्चे को आप जब तक वो दांत निकाल लेता है तब भी दे सकते हैं, उसके बाद भी दे सकते हैं, उस कैल्शियम की डिफिशेंसी पूरी तरह पूरी कर देगा, कैल्शियम की कमी बिल्कुल बिल्कुल हटा देगा। बहुत बहुत अच्छी दवाई है ये, मतलब जादुई दवाई है, करिश्माई तावीज़ वावीज़ पहनाने की कोई ज़रूरत नहीं। ये बेस्ट दवाई है जो मैंने आज तक बच्चों के लिए यूज़ की है, एक कॉलिकेड और एक ये अमेजिंग दवाई है। उसके बाद आप लोगों को मस्ट है, जिनके पास छोटे बच्चे हैं वही बेबी रब रखो, ठंड आ गई है, विक्स बेबी रब बहुत बहुत इफेक्टिव है। ये सेम साल्ट है जो बड़ों के विक्स में डलता है, बट इसमें क्वांटिटी कम होती है, और ये इस तरह की पिंकिश पैकिंग में आता है बिकॉज़ ये बेबीज़ के लिए है इसलिए, है ना। और है भी अच्छा, मतलब स्किन पे सॉफ्ट है। और उसके बाद एक और जादुई टाइप दवाई, बच्चे छोटे होते हैं दूध बार बार पीते हैं, ठीक है, दांत होते नहीं हैं, या अगर होते भी 2-4 तो उन पर आप ब्रश नहीं करवा सकते टिल जब तक वो 2 ईयर्स के नहीं हो जाते हैं। तो उनकी टंग जो है, उनकी ज़बान सफ़ेद हो जाती है, दूध जम जाता है उस पर। तो क्या करते हैं लोग, मतलब पहले हमारे टाइम पे तो ये होती नहीं थी, तो मेरी मम्मा कॉटन के दुपट्टे से साफ़ करती थी मेरी ज़बान, ऐसा मम्मा बताती हैं, अब मुझे क्या पता, है ना। लेकिन मैंने डॉक्टर से पूछा तो वो बहुत खुश हुए कि तुम इतनी अवेयर हो। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल हूँ, और अपने बेटे के लिए भी और अपनी बेटी के लिए भी, भाई जो जो मैंने बच्चों दोनों पे यूज़ किए हैं वही बता रही हूँ। 3-3.5 साल का मेरा बेटा है और 1.25 साल की मेरी बेटी है, तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ रेगुलर, तभी बता रही हूँ। कैंडिड का आता है, कैंडिड भी लोशन सुना होगा आपने, कैंडिड भी ट्यूब सुनी होगी, कैंडिड पाउडर सुना होगा, उसका आता है ये कैंडिड का लोशन,
तो ये कैंडिड का है, माउथ पेंट है, मतलब कि ओरल हाइजीन के लिए है। इसमें ग्लिसरीन है और कुछ क्लोट्रीमाइजोल नामक कुछ जो है साल्ट है। ये ग्लेनमार्क कंपनी और कैंडिड, ग्लेनमार्क कंपनी जो है बहुत बड़ी और मानी हुई कंपनी है। इसके एलोवेरा जेल्स आते हैं जो मैं यूज़ करती हूँ, एलोवेरा जेल, एलोवेरा क्रीम और पता नहीं क्या क्या आता है इसका। ग्लेनमार्क एक बहुत बड़ी कंपनी है। और कैंडिड नो है, सबको पता है कैंडिड बी लोशन, कैंडिड बी क्रीम, कैंडिड बी पाउडर्स, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और अच्छे होते हैं। एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगस मतलब होते हैं। उसी का आता है ये माउथ पेंट है कैंडिड का, ठीक है। ओरल ट्रीटमेंट है फॉर एप्लीकेशन इन द माउथ। तो ये बहुत ही बढ़िया है। 119 रुपये का मैंने लिया था ये, उससे पहले आता था 105 रुपये का। अब पता नहीं कितनी कॉस्ट है, क्योंकि 2-3 महीने पहले लिया हुआ है मैंने। तो ये आप बच्चों के मुंह की सफाई के लिए ज़रूर लें इसको। आप इससे थोड़ी सी जो है बड ले लें, ईयरबड, और उस पर थोड़ी सी ड्रॉप लगाएं, 2-3 ड्रॉप्स, और जीप पे रगड़ दें। ये नहीं है कि बड के साथ वापस आ जाएगा, नहीं, वो अपने आप ही हवाओं के छुमंतर हो जाता है जो दूध जमा होता है, ठीक है, सफाई हो जाएगी उसकी। और जब बच्चों को कफ हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो आपने देखा होगा स्टीम देनी पड़ती है उनको बार बार, स्टीम या तो हॉस्पिटल में जाकर दो या घर पे दो। तो उससे बेटर है आप ये वाले कैप्सूल ले आओ। ये विटामिन ई जैसे कैप्सूल दिखने में लगते हैं, लेकिन ये होते नहीं विटामिन ई जैसे, मतलब इनमें कुछ और सॉल्ट है। इसको आप बच्चे के कॉलर में लगा दो, स्किन में नहीं लगाना है, नाक पे नहीं लगाना है, बच्चे के कॉलर में या साइड में ऐसे जो कपड़े हैं उनमें लगा दो, इन जगहों पे लगा दो, क्योंकि बच्चा हाथ वाथ ले जाता है पास में, उसके सरहाने में यानी उसके पिलो में लगा दो ये वाला कैप्सूल एक रोज़ रात को। उससे उसका कफ जो है हट जाएगा और बहुत इफेक्टिव। मैंने यूज़ किया है 2-3 बार ये, 2 बार, और तीसरी बार लेके आई हूँ, ख़त्म नहीं होने दिया, बिकॉज़ फिर से सर्दियाँ आ रही हैं और बरसात और सर्दियों में बच्चों को कफ़ की प्रॉब्लम रहती ही है। तो जिनके घर में भी ये छोटे बच्चे हैं, उनकी केयर करना बड़ों का ही फ़र्ज़ होता है, तो इस तरह की चीज़ें ज़रूर रखें। और जो मैंने 7 चीज़ें बताई हैं, अगर आप इनको डॉक्टर से नहीं भी लेते हैं, मैंने डॉक्टर से ही लिया और एक डॉक्टर से नहीं, ये वीडियो बनाने से पहले भी और बच्चों को अपने देने से पहले भी 2-3 डॉक्टर से, यानी कि जो गवर्नमेंट सेक्टर में वो भी और प्राइवेट सेक्टर में वो भी, उनसे अच्छे से कंसल्ट किया है उसके बाद, और वीडियो बनाने से पहले मैंने दोबारा कंसल्ट किया है 3-4 दिन पहले ही। और इन सब दवाइयों के बारे में, क्योंकि मुझे अपने काम के सिलसिले में जाना पड़ा है बाहर, तो मैंने 2-3 डॉक्टर से कंसल्ट किया है। ये दवाइयों का पूरी पोटली बना बना कर लेके गई हूँ और अच्छे से कंसल्ट करके ही आप लोगों को बता रही हूँ। अगर आप चाहें तो डॉक्टर से पूछ सकते हैं, ना भी चाहें तो मैं आपको पर्सनली बता रही हूँ, बिकॉज़ मेरे भी छोटे बच्चे हैं। और तो ये जो आज के वीडियो में मैंने चीज़ें बताई हैं बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं, आप इन्हें घर पे ज़रूर रखें, छोटे बच्चे हैं तो, बिकॉज़ उनकी केयर करना बड़ों का ही फ़र्ज़ होता है। तो आज का वीडियो बस यहीं पे मैं फिनिश करती हूँ। होप आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, बिकॉज़ ये एक जानकारी है जो उनके लिए ज़रूरी है जिनके पास छोटे बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनके लिए जानकारी, ये दवाइयाँ भी। और शेयर करें, कमेंट करें, मुझे आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो वेरी मच।